सर, आपको मुझ पर भरोसा था, लेकिन मेरा भरोसा डगमगाने लगा था। ऐसा लग रहा था कि आज फिर से एक नई परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। सिद्धार्थ जी तो खुद अवंतिका को तलाक देना चाहते हैं ना? वो तलाक नहीं देना चाहते, बस हम लोगों के दबाव में आकर वो तलाक दे रहा है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैंने महसूस किया है। हाय अवंतिका। हाय। हाय अवंतिका। हेलो, बैठो ना। और आज तो पूरे ऑफिस में तुम्हारे चर्चे हैं और आज का प्रेजेंटेशन भी कमाल रहा। कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स कबीर, शायद भगवान मेरे साथ थे इसलिए मैं प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी तरह से दे पाई। नहीं तो सर ने तो कह दिया था कि अगर प्रेजेंटेशन नहीं दे पाई तो शायद मुझे अपनी नौकरी से भी हाथ खोना पड़ सकता था। मुझे पता है अवंतिका। नेहा, अमर सर को भी किसी बात से मतलब नहीं है। उन्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। अवंतिका, कंपनी जज्बातों से नहीं उसूलों से चलती, और वैसे भी इसी के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तुम सही कह रही हो। एनीवे, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? पता नहीं, हॉस्पिटल से तो कोई फोन नहीं आया। मैंने भी अभी तक उन्हें फोन नहीं किया। उन्हें मालूम होगा कि तुम प्रेजेंटेशन में होगी। दिव्यानी का फोन है, लगता है हॉस्पिटल से होगा। हाँ दिव्यानी, कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में बस निकल रही हूँ। ओके, प्रेजेंटेशन कैसा रहा? अच्छा था। ओके। दिव्यानी क्या हुआ, तुम कुछ मायूस सी लग रही हो, सब ठीक है ना? तुम हॉस्पिटल आ रही हो ना? हाँ मैं आ रही हूँ। तुम हॉस्पिटल आ जाओ, फिर बात करते। दिव्यानी बात क्या है, प्लीज जल्दी बताओ क्या हुआ है। मैंने कहा ना, तुम हॉस्पिटल आ जाओ फिर बात करते। हाँ अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या बात है अवंतिका? पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई बात जरूर है। मुझे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना होगा। माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? माँ बोलिए ना, आप क्यों रो रही है? प्रतिमा क्या हुआ है माँ को, बोलो ना, क्या हुआ है, क्यों रो रही है माँ? दिव्यानी तुम तो बताओ क्या हुआ है। हाँ मैं बताती हूँ अवंतिका, दरअसल तुम्हारे पापा कोमा में चले गए। खुद को संभालो अवंतिका, ब्रेन हेमरेज की वजह से अंकल कोमा में चले गए। हिम्मत से काम लो अवंतिका। मैं पापा को नहीं बचा सकी, मैं पापा को कोमा में जाने से नहीं बचा सकी माँ। पापा ने न जाने कितनी बार मेरी जिंदगी बचाई है, मुझे आज भी याद है। मैं 6 साल की थी, मेरे सर पे चोट लगी, पापा भागते हुए मुझे इसी हॉस्पिटल में लेकर आए थे, इसी हॉस्पिटल। आप बच्चे आ जाओ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर,
डॉक्टर, ये मेरी बेटी है, छत पे खेल रही थी, अचानक पांव फिसला और नीचे गिर गई, माथे पे चोट लगी है, देखिए प्लीज। चोट तो काफी गहरी लगी है। आप ये बताएं, जब इसके चोट लगी तो इसने उल्टी तो नहीं की? हाँ, एक बार उल्टी हुई थी। कोई घबराने या चिंता की बात तो नहीं है ना? आप घबराइए मत, आप जाके पैसे जमा कर दीजिए, मैं तब तक इसके टेस्ट करवाती हूँ। लेके जाओ। टेस्ट? टेस्ट के कितने पैसे लगेंगे? अरे मीनाक्षी, तुम पैसे की फिक्र मत करो, मुझे अपने आप को बेचना ही पड़े तब भी मैं अपने आप को बेच दूंगा, हमारी बेटी खेलते खेलते घर को जाएगी, तुम जाओ ना, चिंता मत करो, जाओ। अच्छा, चलिए डॉक्टर, आइए। मैं अपने पापा को नहीं बचा सकी देवयानी, मैं अपने पापा को कोमा में जाने से नहीं बचा सकी। तुम इसके लिए खुद को जिम्मेदार क्यों समझती हो अवंतिका? तुमने पापा के इलाज के लिए क्या कुछ नहीं किया? कुछ चीजें किसी के हाथ में नहीं होती अवंतिका, सिर्फ तकदीर के हाथ में होती है। अब कैसे हैं पापा? वही हुआ जिसका डर था। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्हें कोमा से बाहर नहीं ला पाए। क्या पापा को हमें होश नहीं आ सकता? ऐसा कुछ नहीं कर सकते? अगर आप कहें तो कहीं और लेकर जाए पापा को। कोई फायदा नहीं, उन्हें शायद कल भी होश आ जाए या फिर होश आने में सालों लग जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब वो होश में आए हैं या फिर कोमा से बाहर हैं। तो फिर डॉक्टर, इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं? नहीं, और कोई रास्ता? हम भगवान ही जानते हैं कि हमारा इंतजार कितना लंबा होगा, कब पापा को वहां से बाहर आएंगे, कब हम उनसे बात कर पाएंगे। हिम्मत से काम लो अवंतिका, हमें यह सोचकर तसल्ली करनी चाहिए कि अंकल कम से कम जिंदा तो है ना, और आज नहीं तो कल अंकल कोमा से बाहर जरूर आएंगे। हाँ दीदी, अगर आप ही हौसला खो देंगे, आप हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा, माँ का क्या होगा? अब हमें ही तो माँ को संभालना है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, तुम्हें इस घर में सब लोग खुश देखना चाहते हैं, और तुम हो कि न जाने किस सोच में खोए रहते हो। तुम्हें पता है, बिंदिया भी मुझे बता रही कि सिद्धार्थ बाबू आजकल बहुत उदास उदास रहने लगे। नहीं मामी जी, ऐसी कोई बात नहीं। सिद्धार्थ, मैं तुम्हारी उलझन समझ सकती हूँ, कभी कभी अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए तो मुस्कुराना चाहिए। अरे बिंदिया,
देखो ना, सिद्धार्थ तो मुझसे कुछ बात ही नहीं करता। तुम ही पूछो ना क्या बात है। देखो ना कैसी उदासी छाई हुई है उसके चेहरे पर। सिद्धार्थ की उदासी दूर करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। देखना ये है कि तुम इनकी उदासी कैसे दूर करती हो। मौसी जी, इनकी हंसी लौटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। सिद्धार्थ जी, चाय? अभी मूड नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपका चाय पीने का मूड नहीं है तो हमें एक अच्छी सी धुन सुना दीजिए। हो सकता है अच्छी धुन सुनाने से आपका मूड सही हो जाए। ये अच्छी धुन थी? सिद्धार्थ, आपसे एक अच्छी धुन तो मैं सुनकर ही रहूंगी। चाय तो अच्छी बनी। अरे पीते क्यों नहीं? मां आराम से आई। प्रतिमा बैठाओ मां को। आराम से। मैंने तुम्हारे पापा को इस हालत में कभी नहीं देखा। इस हालत में देखने से पहले मेरी आंखें बंद क्यों ना हो गई? ऐसा क्यों कह रही है? समझते हैं कुछ नहीं होगा पापा को, पापा ठीक हो जाएंगे। आंटी आप खुद को संभालिए, अंकल अब हॉस्पिटल में है तो अब आप ही को सब कुछ संभालना है। क्या रह गया संभालने को? उनके बगैर तो ये घर घर नहीं है। उनके बगैर मैं भी कुछ नहीं हूं। ये दुनिया ही वीरान नजर आने लगी है। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए, हम लोग हैं ना आपके साथ। कल तक उनका साथ था तो किसी तरह जिंदगी जिए जा रहे थे, लेकिन आज उनके बगैर जिंदगी बोझ लगने लगी है। आंटी आप ये क्यों भूल रही हैं कि अंकल कोमा से कभी भी वापस आ सकते हैं? और आप विश्वास रखिए, अंकल ठीक होकर इस घर में वापस आएंगे और जरूर आएंगे। हाँ माँ, पापा जरूर आएंगे, आप देखना। और आंटी, अंकल ने अवंतिका को लेकर जो सपना देखा था वो सपना तो पूरा हो गया, लेकिन प्रतिमा का सपना, प्रतिमा को डॉक्टर बनाने का सपना, वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। और उस सपने को पूरा करने के लिए उनके साथ आप ही को पूरी ताकत से खड़ा होना होगा आंटी। माँ, आपको इस तरह टूटता देखकर हम क्या अपने आप को कायम रख पाएंगे? आंटी अंकल के हॉस्पिटल में होने से जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, और अवंतिका तुम्हारी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। दिव्यानी, मैं अपना हर फर्ज, हर जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाऊंगी। एक तरफ प्रतिमा की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ तुम्हारा ऑफिस। इन सारी बातों को देखकर तुम्हें बड़े सब्र और समझदारी से काम लेना होगा अवंतिका। हाँ, तुम ठीक कह रही हो देवयानी, प्रतिमा की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि अब हर महीने पैसे जमा करने पड़ेंगे जब तक तुम्हारे पापा ठीक नहीं हो जाते।
हाँ माँ, आप उस बात की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं हर महीने पैसे जमा करूंगी, आप सोचिए मत उस बारे में। लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले, क्या तुम्हारे ससुराल वाले इसकी इजाजत देंगे? उनके कोमा में जाने का मतलब है हर महीने एक मोटी रकम हॉस्पिटल में जाना, और ये रकम भरेगा कौन? आपकी बहू। पहले ही वो इतने नाराज है। माँ सब ठीक हो जाएगा, प्रतिमा माँ को अंदर लेकर जाओ, आराम की जरूरत है। माँ अंदर जाइए। चलिए जाइए। देवयानी, ये बदनसीबी है या विडंबना कि बेटी को इतना पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने के बाद भी माँ बाप इस बात के मोहताज होते हैं कि ससुराल वाले इस बात की इजाजत देंगे या नहीं। अगर मैं खुद को माँ की जगह रखूं तो मेरे जहन में एक ही बात आएगी, अपनी पूरी जिंदगी बेटी के लिए कुर्बान करने के बाद क्या हासिल हुआ उन्हें, क्या पाया उन्होंने? यानी ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। सवाल बड़ा हो या छोटा, जवाब देना ही होगा ना। आप तो बस बातों में ही जवाब ढूंढते रहे, लेकिन यहां आपकी रानी मर। आप लोग बस चेस खेलते रहे। हाँ, आप घर के सारे मसले भूल जाइए। अरे आप तो ये भी भूल जाइए कि बहू रानी को कितना गुमान, आपको अंदाजा भी है कि उसे कितना गुमान है। उसे पता है कि घर में सब उससे नाराज है, फिर भी एक बार भी वो यहाँ झांकने को आई। लेकिन आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? आप चेस खेलिए ना, अरे खेलिए खेलिए। तुम ठीक कह रहे हो। आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि उसने कहीं ऑफिस से लोन वोन तो नहीं लिया ना। जीजा जी, जीजा जी, आप लोगों को हॉस्पिटल से कोई खबर मिली? नहीं तो तुम्हें कोई खबर मिली? वही खबर तो लेके आया हूँ जीजा जी। हाय हाय, बहू रानी का बाप मर गया? अरे ऐसा होता तो कम से कम मामला तो खत्म होता, बहू रानी की वापसी की थोड़ी बहुत उम्मीद तो रहती। लेकिन अब तो वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, और आप लोगों के दिल में अगर कोई जरा सी भी उम्मीद की चिंगारी जल रही है तो उसको बुझा दे। हुआ ये है दीदी कि उसका बाप कोमा में चला गया है। लगता है समझे नहीं आप लोग। ऐसे हैरान मत होइए, उनके कोमा में जाने का मतलब है हर महीने एक मोटी रकम हॉस्पिटल में जाना, और ये रकम भरेगा कौन? आपकी बहू। तुम ठीक कहते हो शंभू, उनके पास है क्या जो वो खर्चा उठा सके? अब तो सारी जिम्मेदारी बहू रानी के कंधे पर ही है। हाय हाय, यानी कि अब तो पूरी तरह बहू रानी हाथ से निकल चुकी है। और इलाज में भारी भरकम पैसे भी तो खर्च हुए होंगे, और ऊपर से घर का खर्च, महीने का खर्च, और अपनी छोटी बहन का खर्च भी तो अवंतिका को ही उठाना है। भाई घर की बड़ी बेटी है, खुद को जिम्मेदार समझती है। अगर वो ये सब कुछ करना चाहती है तो फिर तलाक से इनकार क्यों कर रही? वो क्या सोचती है ये वही जाने जीजा। लेकिन इस मुसीबत से गला छुड़ाने की जरूरत है, और अगर वो तलाक के लिए राजी नहीं होती है तो उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो, फिर जो होगा देख लेंगे। तुम्हें नहीं पता
सिद्धार्थ और अवंतिका का तलाक होने वाला है, और वैसे भी उसके बाद तो इस घर की बहू मैं ही बनूंगी। जो भी करना है, लेकिन एक बार सिद्धार्थ से बात जरूर कर लीजिएगा। कोई बात करने की जरूरत नहीं, वो भी अवंतिका के सारे रंग ढंग अच्छी तरह समझ चुका है, और बिंदिया के इस घर में आने से वो ये भी समझ चुका है कि हम उसकी दूसरी शादी कराने का फैसला कर चुके हैं। फैसला कर चुके हैं तो अवंतिका को इस घर से बाहर निकाली और बिंदिया को इस घर की बहू बनाई। वो बिचारी भी तो यही आस लेकर यहाँ आई। अब देखिए ना, हम सब यहाँ पर बातें कर रहे हैं और वो बिचारी किचन में सारा काम कर रही है। अच्छा वो अंजलि तुम आ गई, ये मेघा कब से गई हुई, अभी तक आई नहीं। वो टेरेस पे कपड़े लेने गई थी, अभी तक आई नहीं। नहीं, एक काम करो ना, प्याज काट दो ना। ये क्या कह रही हो तुम, भाभी ने मुझे कभी किसी काम के लिए नहीं कहा, और वैसे भी पढ़ाई से मुझे फुर्सत कहाँ है जो मैं किचन में कदम रखूं। मैं तो बस पानी लेने आई थी, अवंतिका भाभी घर का सारा काम करती थी और ऑफिस के काम के साथ साथ घर के किसी भी काम में कोई शिकायत नहीं की, और ना ही भाभी ने मुझे कोई काम सौंपा था। जी तो करता है तेरा मुंह तोड़ दूं। चलिए कम से कम आपको बहू रानी के बारे में इतना तो याद आया। मेघा तू क्या देख रही है, जल्दी से प्याज काट, मुझे पकोड़े बनाने हैं। काटती हूँ। क्या सिद्धार्थ भैया ने आपसे पकोड़े बनाने के लिए कहा? नहीं, उन्होंने नहीं कहा है, हमें पता है उन्हें पकोड़े बहुत पसंद है, और वैसे भी उनकी पसंद का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है। आपका फर्ज क्यों? क्यों हमारा फर्ज क्यों नहीं है? तुम्हें नहीं पता सिद्धार्थ और अवंतिका का तलाक होने वाला है, और वैसे भी उसके बाद तो इस घर की बहू मैं ही बनूंगी। ठीक है, प्याज बाद में आके काटती हूं, एक जरूरी काम याद आ गया। एक बार सिद्धार्थ से मेरी शादी हो जाने दे, फिर तुझे भी देख लूंगी। मैं रिश्तों को भूलना नहीं चाहती देवयानी, मैं रिश्तों से भागना नहीं चाहती, मैं रिश्तों को निभाना चाहती हूँ। लेकिन वो लोग चाहते हैं कि मैं ये याद रखूं कि मैं उस घर की बहू हूं, लेकिन ये भूल जाऊं कि मैं इस घर की बेटी हूं। कोई औरत मरते दम तक ये बात नहीं भूल पाती, तुम अपनी सासू माँ से पूछना, क्या वो अपने माँ बाप को भूल चुकी हैं? इसी सवाल का कोई मतलब नहीं रह गया देवयानी, मैं उस घर की बहू हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं उन्हें समझ पाई हूँ और ना ही वो लोग मेरे जज्बातों को समझ पाए, कि अगर वो लोग मेरे जज्बातों को जरा सा भी समझते ना तो आज एक तलाक की बात खड़ी नहीं होती, आज वो लोग यहाँ मेरे साथ खड़े होते। तलाक का मुद्दा खड़ा करके उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है, इस बात का एहसास उन्हें बाद में होगा। ये तलाक नहीं होगा, इसमें तुम्हारी सारी फाइलें, सारे कपड़े और सारा सामान दे दिया मैंने, ताकि बार बार कभी कपड़ों का या कभी फाइल का बहाना करके इस घर में घुसने की कोशिश भी मत करना। चलो उठा अपना सामान और जाओ अपनी माँ के घर। मम्मी ऐसा कुछ मत कीजिए जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। दीदी आप इसकी बातें क्या सुन रही, अरे इसे धक्के मारकर बाहर निकालिए।